जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके मैराथन का पार्ट टू आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट वन जाकर देखिए, उसका जो है आपको आई बटन पे जो है लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी उसको पिन कर दूंगी। इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको ध्यान से प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो मैराथन के पार्ट वन में जैसा कि हमने यूनिट वन का दोनों पोर्शन जो आपका ए पार्ट था और पार्ट बी दोनों को हमने कवर कर लिया था बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। तो आपकी एक घंटे की वो क्लास थी जिसमें आपने पूरे दोनों यूनिट्स को एक साथ कंप्लीट कर लिया था, पार्ट ए और पार्ट बी। अब यहाँ पे मैराथन पार्ट टू में हम जो है यूनिट टू जो है आपका जो कि डोमेन्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है, यहाँ पर हम उसके पार्ट ए और पार्ट बी को इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए, डोमेन्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, वैसे तो हमारे कई डोमेन्स होते हैं बट जो हमारे सिलेबस में है हम उसको ही पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में हमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ना है। इसके साथ ही पार्ट बी में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप एबिलिटी और डिसएबिलिटी डोमेन बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या शिक्षा के प्रावधान हैं जो एबिलिटी वाले हैं और डिसएबिलिटी क्या मतलब है, ये कम्प्लीट चीज़ आप जो है वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस यूनिट से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे या तो आपसे पूछ देगा एबिलिटी और डिसएबिलिटी डोमेन बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, इसके ऊपर डिस्कस करिए, या तो आपसे डिस्क्रिमिनेशन में कोई एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पुट करके पूछ देता है। जैसे कभी आपसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूछ देगा और सोशल और इकोनॉमिक किस प्रकार से इंक्लूजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक। या तो आपसे कभी सोशल डिस्क्रिमिनेशन पूछ दिया तो इस प्रकार से अलग अलग करके वो क्वेश्चन पूछता है। बट ज़्यादा जो है अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस या फॉर्म्स पे देखने को मिलता है। तो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो आइए समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ एक्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस, ये एक ऐसे एक्शन की सीरीज होती है दैट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर, जिसको हम किसी के व्यवहार में देख सकते हैं अगेंस्ट अ टारगेटेड ग्रुप। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं वो किसी एक खास समूह की तरफ देखते हैं विद द इंटेंशन ऑफ, और वो किस वजह से होता है, प्रिवेंटिंग, डीवैल्यूइंग, निगेटिंग और ह्यूमिलिएटिंग देम। ताकि लोग ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो उनको जो है असहज महसूस करवा सके या फिर उनको ऐसा दिखाने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, और अलग अलग कारण होते हैं उनको जो है ख़राब महसूस करवाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए। अलग अलग फॉर्म्स और प्रैक्टिसेस होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। तो डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले आपको डिफाइन करना है क्या होता है, इज़ अ एक्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट कैन बी सीन इन फॉर्म ऑफ बिहेवियर। तो डिस्क्रिमिनेशन को हम एक फॉर्म ऑफ बिहेवियर समझ सकते हैं दैट इज़ यूज्ड अगेंस्ट अ टारगेटेड ग्रुप, जिसको कि हम टारगेटेड, जो भी टारगेट ग्रुप रहे उसके अगेंस्ट देखने को मिलता है। और हमेशा याद रखिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल एंटिटी के लिए भी यूज़ हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन और ढेर सारे पर्सन्स के ग्रुप पे भी ये लागू होता है। क्लियर, मतलब ये है कि अगर एक पर्सन है उसके खिलाफ भी आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कभी कभी पूरी की पूरी ग्रुप के ही आप क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये दोनों प्रकार से हो सकता है। अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, रिजेक्शन आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन एक शब्द है, इसको शो कैसे करते हैं लोग, अवॉइड करके कि उन लोगों को जो है इग्नोर करेंगे, एक्सक्लूजन उनको सोसाइटी से या उस पार्ट से एक्सक्लूड करके, या फिर रिजेक्शन, रिजेक्शन के थ्रू उनको क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को वो लोग शो करते हैं। कभी कभी ये डिस्क्रिमिनेशन शो जो लोग करते हैं, कभी कभी ये लोग जो है वॉयलेंस के थ्रू भी करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स। तो जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हमको
जिसको हमको डीप में पढ़ना है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, इसके साथ ही लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट होता है, माइनॉरिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो टाइप्स वैसे कई हैं, पर आपको जो तीन मुख्यतः पढ़ना है वो ये तीन आपको पढ़ने हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक जो विभेद होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर के माध्यम से बताया है, तो आप भी इसको फिगर के माध्यम से एग्ज़ाम में जो है बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे पूछता है जैसे जेंडर पूछे, चाहे सोशल चाहे इकोनॉमिक, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको मिनिमम वर्ड्स और इफ़ेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करते हुए फिगर के माध्यम से चीज़ों को बतानी है। देखिए मैं इस फिगर को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला जो है वो कौन है, सोसाइटी। क्लियर, ये है हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं। अब ये सोसाइटी जो है ना, ये कुछ रिलीजन द्वारा फॉलो होती है, ठीक, सभी के अपने अपने धर्म हैं। दैट मीन्स सोसाइटी कैसी हुई, मल्टीकल्चरल हुई, क्योंकि सभी एक से ज़्यादा चीज़ों को मानने वाले हैं, एक से ज़्यादा भगवान को मानने वाले हैं। तो जब ऐसी सोसाइटी होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी, और प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट भी करती हैं, जैसे कि इलिटरेसी, ठीक है, लोग साक्षर नहीं होते हैं, गरीबी, पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन। तो एक तो पहली चीज़ ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग बातों को, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग कल्चर को मानते हैं, और उसके ऊपर से क्या होता है, इलिटरेसी होती है, पॉवर्टी होती है, ओवर पॉपुलेशन है। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन को अराइज़ करती हैं, क्योंकि आप समझा उसको सकते हैं जो समझ सके, जो आपके तथ्यों के साथ लॉजिक लगा सके, ठीक। तो आप उसको नहीं समझा सकते कि जिसके पास, जो कि तर्क करने की क्षमता ही नहीं रखता हो। अगर आप डाटा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे तो जो इलिटरेट होगा उसको समझ नहीं आएगा, जो गरीब होगा वो ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं होगा। क्लियर। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से चीज़ों को बताते हैं, जिसके कारण हमें सोसाइटी में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन को देखने को मिलता है। वही रीज़न, चूँकि हो किससे रहा है, इसका मेन आप कह सकते हैं बेसिक यूनिट कौन है, ये सोसाइटी है। तो जब सोसाइटी उसका बेसिक यूनिट है, तो इससे होने वाला डिस्क्रिमिनेशन हम क्या कहते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो आपको समझ में आया, अब मैं इसको हटा रही हूँ, मैं आपको देखिए, अब आप साथ में समझिए कि जो आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन है क्या है ये। तो इसका मेन कौन है, सोशल, सोसाइटी। सोसाइटी में आप एक ही आपका हो गया सोसाइटी। अब ये सोसाइटी में दो तीन फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, एक आपका रिलीजन का फैक्टर हो गया, क्लियर, और दूसरा आपका क्या हो गया कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी। आपकी सोसाइटी कैसी है, मल्टीकल्चरल है। इसके साथ ही और कुछ प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में क्या क्या है, प्रॉब्लम्स में ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी, और इसके साथ ही जो है आपका पॉवर्टी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब ये सारी की सारी चीज़ें जो है मिल करके एक समाज में रहने वाले लोग होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, मतभेद होता है, और यही रीज़न बनता है आपके SD का। SD मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन का। क्लियर। तो ऐसी चीज़ों से ना फ़ायदा ये होता है कि आपको तथ्य बहुत क्लैरिटी से समझ में आता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम में आपका आंसर भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और बाकियों से बिल्कुल अलग बनता है। अब देखिए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, अब चूंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं जिनको, जो डिसेबल्ड हैं, उन्हें तो वैसे भी सोसाइटी में जो सोशल फंक्शंस हैं, गैदरिंग्स हैं, उनमें जो है अवॉइड किया जाता है, लोग उन्हें बुलाना पसंद नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, जो मानसिक तौर पर क्या होते हैं, थोड़ा जो है उनको प्रॉब्लम होता है। क्लियर। नाउ चिल्ड्रन हु फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अब वो कौन कौन से बच्चे हैं जो कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ऑर्फन्स, जिनको अनाथ कहते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, या वो बच्चे जो HIV या एड्स द्वारा पीड़ित होते हैं, तो लोग ऐसे बच्चों को बहुत ही निहीन भावना से देखते हैं। आइसोलेटेड पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो बाकियों से अलग थलग रहते हैं, लोग उनको ऐसा करने से रोकते हैं, उनको लोग सोशली डिस्क्रिमिनेट करते हैं। रिफ्यूजी जो एक देश के होते हैं और दूसरे देश में जो शरणार्थी होते हैं ना, जो शरण लेकर रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को देख सकते हैं जो म्यांमार से आए हुए हैं, वो रिफ्यूजी की तरह वर्क करते हैं। इसके साथ ही माइग्रेंट्स होता है जो एक देश से दूसरे देश जो है ट्रैवल करके जाते हैं। जैसे कि अगर इंडिया के लोग अगर अमेरिका जाते हैं, तो हम बहुत बार ऐसा देखते हैं, अभी जो है इस स्टोरीज़ को मीडिया में थोड़ा सा कम अभी भी उसको जो है कवरेज मिलती है, बट वो लोग वहाँ पे उनके साथ जो है गलत व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है, माइग्रेंट्स को लेकर के भी लोग सोसाइटी में क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तुम हमारे देश के नहीं हो, इस टाइप से। और साथ ही साथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़,
वो बच्चे, वो पर्सन जो कि डिसेबल्ड होते हैं, सोसाइटी उन्हें भी अपने आप से क्या करती है, अलग थलग रखती है। क्लियर? नाउ फॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये देखिए कि आपको जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है सोसाइटी में, उसके कितने रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में ये सोसाइटी में एक एविल की तरह बैठा हुआ है। तो देखिए, ये डिस्क्रिमिनेशन आप खुद से भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप अपने चारों तरफ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखते भी होंगे। तो यहाँ देखिए, अलग अलग है। आप इस प्रकार से चार्ट बना करके भी बना सकते हैं इसको, एक लाइन में ऐसे करके, या तो फिर आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन दिखा के आप ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको इजी पड़े। पहला है सोशल ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन। जैसे होते ना कि लोग सबने अपने अपने समाज में अपना अपना वर्ग बना रखा है, जैसे दलित अलग, आदिवासी अलग। तो ये क्या है कि दलित लोगों को तुम नीचे कास्ट के हो इसलिए किया जाता है, आदिवासी है तुम लोग अलग रहते हो इसलिए। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर भी सभी अपने अपने धर्म को सर्वोत्तम बताने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन सोशल में आता है। एज डिस्क्रिमिनेशन, एज जो है, जैसे बच्चे हैं, अगर कोई ओल्ड आदमी है तो उसको कहते हैं सठिया गया है, बुढ़ा गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या है कि वो भी लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अगर बात करनी है तो उनसे बात करने में वो क्या करते हैं, उनसे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कंपनी उनके लायक नहीं है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता है। लैंग्वेज बेस्ड, तो लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी आप बहुत देखे होंगे, आप इंडिया में भी देख सकते हैं। अगर आप साउथ साइड में चले जाएं तो वहाँ के लोग हिंदी को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही देश हैं, हमारा जो भारत है वो एक है। तो लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग रूप के आधार पे होने वाला जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एग्जांपल जो अपार्थिड सिस्टम था साउथ अफ्रीका का, जो और उसके साथ आप अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट का भी देख सकते हैं। कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम देखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप अपने कोटेशन में भी राइट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग टू 50 मिलियन पीपल, 250 मिलियन लोग अफेक्टेड है बाय कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और आप ये मत सोचिएगा कि ये कास्ट की कहानी सिर्फ भारत की है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इट इज़ प्रेवलेंट मेनली इन पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक इस प्रकार से बहुत सारे पार्ट्स में, चाइना में भी है, बहुत सारे पार्ट्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं। कास्ट सिस्टम जो है वो लोगों का जो है डिवाइडेशन करता है, उनके राइट्स को डिवाइड कर देता है कि भाई तुम किस कास्ट में पैदा हुए हो, तुम्हें क्या काम करना चाहिए। तो ये बर्थ द्वारा डिटरमाइन होता है, ठीक, कि आप जिस कुल में जन्म लेंगे उस कुल के अनुसार जो कार्य बटा है आपको उसी में काम करना है, उसके अलावा नहीं करना, या उच्च कुल के हैं या निम्न कुल के हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पुराने टाइम में, वेदों के टाइम में जो वैदिक सिस्टम था उस टाइम पर प्रेवलेंट थी, बट आज की डेट में लोग, बहुत सारे लोग उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करके बताते भी हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने कल्चर के बारे में अवेयरनेस हो, ताकि आपको कोई कल्चरल फूल ना बना सके। नेक्स्ट इज़ योर अनटचेबिलिटी। हम सब जानते हैं अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, 2011 की सेंसेस। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसीलिए इसको जो है अपने नोट्स से आपको निकाला है, ताकि जो डाटा है और जो इम्पॉर्टेंट टेक्निकल कीवर्ड्स हैं उनको आप याद करें और उनको समझें, जिससे आपका आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल बेहतर बने। 2011 की सेंसेस के अकॉर्डिंग देयर आर 200 मिलियन दलित्स। कितने दलित थे? 200 मिलियन। और एससी जिसको हम कहते हैं, जिसको पहले भारत में अनटचेबल्स कहा जाता था, अनटचेबल्स आर ऑफन फोर्सफुली असाइंड द मोस्ट डर्टी मेनियल एंड हैजार्डस जॉब। पहले के समय में उनको जो है ज़बरदस्ती वो काम कराया जाता था, जैसे टॉयलेट साफ़ करना, ये सारी चीज़ें उनसे कराई जाती थी। तो 200 मिलियन दलित थे भारत में 2011 के सेंसिस के समय में। नेक्स्ट इज़ योर कलर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसके नाम जानते रहिए, बाकी चीज़ें बहुत ईजी है, आप उसको एक बार अगर आपने सुना है तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। कलर डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि लोगों के कलर के ऊपर, उनका पिगमेंटेशन के ऊपर, उनके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, स्किन के शेड के ऊपर, टोन के ऊपर, फेनोटाइप के ऊपर जज करना कि ये काला है तो ये गवार होगा, ये अच्छा नहीं, ये गोरा है तो बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें आपको ऐसे बायसनेस से और इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ही बचना चाहिए। नेक्स्ट
है आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन एज बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो अब जो हम टॉपिक वो क्या है आपका कि किस प्रकार से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो बैरियर है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सबसे पहला है एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। तो आपको पता है कि सोसाइटी का एटीट्यूड जो है किसी भी चेंज सोसाइटी में कभी भी आज ही नहीं कभी भी चेंजेस हुए हैं तो सभी लोग उसको अपना नहीं पाते हैं और चेंजेस परिवर्तन जो है हमेशा उसका जो गति होती है ना वो बहुत ही धीमे धीमे होती है, एकाएक परिवर्तन नहीं होता है। तो लोगों का जो एटीट्यूड है वो मनोवृत्ति भी धीरे धीरे ही परिवर्तित होती है। तो एक एटीट्यूड तो बहुत बेसिक है जो कि आपके पूरे इंक्लूसिव एजुकेशन के ही बैरियर में काम करता है। निगेटिव कॉमेंट्स एंड लेबलिंग, ये भी है कि लोग कहते हैं अरे ये तो इस जाति का है, ये कैसे ऐसा काम कर सकता है, या ये इसका कलर ऐसा है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो इस बैकग्राउंड से आता है, ये इतना ऐसे नहीं कर सकता। जो लेबलिंग लोग कर देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, दैट इज़ अ थिंग जो कि आपके लिए क्या काम करती है, बैरियर का काम करती है। नेक्स्ट आपका है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, व्यवहारिक समस्या भी होती है कि कुछ लोग एक्सेप्टेंस ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं और हमें उस चीज़ों को दूर करना है एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। टीचर्स की एजुकेशन, शिक्षकों को भी इसके बारे में शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ताकि टीचर भी जो है जब वो सोसाइटी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो भी उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके बच्चों को अंतर बता सकें। इन एक्विडेट फंडिंग, इसके साथ ही जो प्रॉपर बजट होता है स्कूल का, फंडिंग गवर्नमेंट द्वारा भी वो उस हिसाब का नहीं किया जाता है जितना उनको करना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड पॉलिसीज़, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा फिजिकल बैरियर, अब बात जब हमने किसी चीज़ के प्रॉब्लम की तो उसका सलूशन भी आपको आंसर में देना ही देना है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आप कैसे इसको दूर कर सकते हैं, तो हमेशा कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक की टर्म्स को अपने दिमाग में हमेशा बैठाए रहिए कि पहला आपका प्रॉब्लम क्या था, एटीट्यूड का प्रॉब्लम था ना, तो एटीट्यूड को चेंज करवाइए, मनोवृत्ति को बदलवाइए। आप कैसे बदलवाएंगे अब वो आपका काम है। तो आप उसको एडवर्टीजमेंट्स लोग टीवी में देखते हैं, जैसे पहले शौचालय, तो किस प्रकार से उसको आप देखा, आपने माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया गया कि स्वच्छ भारत किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो आपको बाहर नहीं जाना, तो गवर्नमेंट ने किस प्रकार से उस पर फंडिंग किया, उस पर ध्यान दिया, और आज के डेट पर जो है आप देखेंगे हर घर में आपको शौचालय मिलेगा ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट चाह दे वो फंडिंग कर दे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, रैलीज के थ्रू, तो वो एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं। तो दूसरी चीज़ें जो इलिटरेसी कमी है उसको दूर करें एजुकेशन के थ्रू, लोगों को सपोर्ट करें, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको आप और प्रमोट करिए, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं जो अपने फील्ड में बहुत एक्सेल करते हैं उनको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, उनको आप सामने लेकर आइए। कम्युनिटी डाइनिंग करिए, कम्युनिटी डाइनिंग दैट मीन्स जो लोग हैं नीचे जाति उच्च जाति करते हैं बट एक शादी जैसे बफर सिस्टम हो गया, तो यहाँ सभी सबके साथ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ सारे काम करते हैं, तो ये कम्युनिटी डाइनिंग है जो कि हेल्प करती है। नॉन यूजेज ऑफ सरनेम, इसके साथ ही सरनेम का यूज़ थोड़ा सा कम करिए, एंड इसके साथ ही रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन, इसके साथ ही हमें जो है सभी रिलीजन के लिए भाई समान भाव रखना चाहिए, ऐसा नहीं कोई रिलीजन बड़ा छोटा, सबका अपना महत्व है। तो रिलीजन में सबका हमको क्या करना है, समान रूप से रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट इज़ योर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपने सोशल डिस्क्रिमिनेशन देख लिया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आपने देख लिया कौन कौन से बच्चे हैं जो सोशल डिस्क्रिमिनेट होते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, उसके फॉर्म्स को देख लिया आपने, इसके साथ ही आपने ये देख लिया कि बैरियर्स क्या क्या हैं और उसके रिमूवल। तो क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो आपको यही पॉइंट्स को लिखना है, क्लियर। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप जो सेकेंड पॉइंट आपका है डिस्क्रिमिनेशन का, वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर हम बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो मेन हेडिंग में फर्स्ट पार्ट पूछता है वो जेंडर का ही पूछता है। देखिए पहले ये जानना जरूरी है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, क्लियर। तो पहली चीज़ तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, क्लियर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिए जो सेक्स होता है ये क्या होता है, ये आपका बायोलॉजिकल कंटेंट होता है, दैट मीन्स कि जैसे लड़का है या लड़की, तो ये बायोलॉजिकली पहले से हमको पता होता है। बट जेंडर जो है ना ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब समाज द्वारा बनाई गई चीज़ है, इसको भगवान ने या नेचुरली नहीं हुआ है, DNA में नहीं लिख के आया कि आप जेंडर ये काम करेगा या ये काम करेगी, दैट इज़ मेड बाई द सोसाइटी, क्लियर हुई एक चीज़।
सेकेंड चीज़, जेंडर ही बेस है आपके इनइक्वालिटी का, राइट? जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वाइल सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. जेंडर कैन क्रिएट इनइक्वालिटी. अब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या बायस कैसे इनइक्वालिटी करती है? तो देखिए, आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि बचपन से ही लड़कियों को लड़कियों वाले काम ही बताए जाते हैं और उनके लिए हमेशा डॉल ही लाई जाती है कि बेटा तुम डॉल से खेलो, और वीडियो गेम्स लड़कों का काम है, या जो है थोड़े वॉयलेंस टाइप चीज़ें लड़कों का काम है. लड़के बचपन में रोते तो उन्हें मना कर दिया जाता है, या लड़के घर का काम किचन का काम नहीं करेंगे और लड़कियां किचन का ही करेंगी, बाहर के कोई चीज़ें नहीं करेंगी. तो ये क्या है, सोसाइटी जो है आपकी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से करती है. अब उसमें आपके पेरेंट्स भी आते हैं. अब चूंकि देखिए, ब्लेमिंग नहीं है, ये चीज़ सच्चाई है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो चाहे मेरे पेरेंट्स हो. क्यों? क्योंकि वो चीज़ उनसे वो भी उसी हिसाब से अपब्रिंगिंग हुई है उनकी, तो वो भी वो चीज़ अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, हम में ट्रांसफ़र किए. बट अब चूंकि आपको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है डैट कि वो जो अपब्रिंगिंग है वो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन रही है. लड़की को क्या पसंद है, कौन से टॉय से खेलना पसंद है, उसको पिंक कलर ही क्यों दिलाएं, उसको जो पसंद है उसको वो चूज़ करने दें. तो ये चीज़ अवेयरनेस के थ्रू ही आएगी, और वो आपके जैसे ही जो लर्नर्स हैं जो आगे जाएंगे वही इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसको पहली चीज़ तो ये होती क्या है, तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया की ही बात है, ये हर जगह होता है. इंडिया में अगर हम देखें ना, तो ये जो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन कॉन्सेप्ट है, जो बायसनेस है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक. और ये आज के डेट में दोनों जेंडर के लाइफ को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है. और कहीं ना कहीं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, उनको भी कुछ हद तक वॉयलेट करने का काम करते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये आपका लिटरेसी रेट है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मेल जो है 80 मान लीजिए आपका है, कहीं कहीं आपको 84 देखने को, 83-84 भी देखने को मिलेगा, और फीमेल 65.46% सिर्फ लिटरेट हैं. अब आप सोचिए, आप 21वीं सदी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं, और आज के समय में भी 80% तक मेल को लिटरेट किया जाता है, जबकि फीमेल जो है वो 65% ही हैं. क्यों? क्योंकि आज भी लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं समझा जाता है, इतने इनिशिएट के बाद भी. सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अ पर्सन जेंडर और सेक्स विच मोर ऑफन अफेक्ट्स गर्ल्स एंड वेमेन. पर इसका ज़्यादा इफेक्ट किस कास्ट पर देखने को पड़ता है, किस जेंडर पर, तो वो आपको देखने को मिलता है गर्ल्स या वेमेन पर. क्लियर? अब देखिए, फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो फॉर्म होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, तो यहाँ पे हमको दो तरीके का फॉर्म देखने को मिलता है. एक है सेक्सुअल आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन, एक है हैरेसमेंट. पहले आप इन दोनों को नाम से परिचित हुई है. कितने फॉर्म से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के? दो फॉर्म. पहला है सेक्सुअल आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड इज़ योर हरासमेंट. ओके, सो ये फॉर्म्स जो है ना, ये दोनों के लिए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी होता है. जब हम सेक्सुअल आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो ये आपका क्या है, सेक्सुअल आइडेंटिटी, दैट मीन्स एज अ पर्सन आप जैसे भी बॉर्न हुए हैं, उस चीज़ का मजाक उड़ाना, ठीक, उस चीज़ को क्या करना कि उस चीज़ का सोसाइटी में जो है डिस्क्रिमिनेट करना. आपने सुना होगा LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, LGBTQ. अगर नहीं सुना है तो ये LGBTQ कम्युनिटी क्या है, कि जैसे कि हम एक लड़की या जो है एक गर्ल है, एक बॉय है, इसके अलावा भी कुछ लोग क्या होते हैं कि जो है L स्टैंड फॉर लेस्बियन, गे, कुछ लोग बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स्ड, क्यूरियस एंड टू स्पिरिट. कुछ लोग होते हैं जैसे कि ये क्या है, जो इनके सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं ना, ये उस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है. कुछ लोग जो LGBTQ कम्युनिटी होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं, जो कि ये गलत बात है. क्लियर? नेक्स्ट इज़ योर हरासमेंट. हरासमेंट दैट मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए, ठीक, हो सकता है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, कोई भी हो सकता है, उस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के आप इनअप्रोप्रिएट जोक्स मारते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, ठीक, या फिर किसी के
कलर के ऊपर कि उसका कलर ऐसा है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जोक मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या है, आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ही पार्ट है। कोई लड़का है अगर वो बिहेव करता है तो देखो ये लड़की की तरह बिहेव कर रहा है, इस प्रकार से कह के लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो ये चीज़ जो है गलत है। ये सारे जो मैटर्स हैं ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स होते हैं और हमको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसको क्या चूज़ करना ये उनका अपना मैटर है। क्लियर। नेक्स्ट इज़ योर कॉजेज एंड रिमूवल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कारण क्या है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उसका रीज़न वाई पता हो। ठीक। सबसे पहला है पेट्रियार्की सिस्टम। अक्सर आप देखेंगे कि पहले से चला आ रहा है कि अगर आने वाली जो पेट्रियार्की सिस्टम है कि बच्चे ने अपने पिता से देखा कि मम्मी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, या फिर पिता से देखा कि पापा घर का कोई काम नहीं करते, तो लड़का के अंदर भी वही चीज़ जाएगा कि वॉयलेंस है और घर का मुझे कोई काम नहीं करना, क्योंकि वो वही चीज़ देखकर सीख रहा है और पहले से उसने अपने दादा से नाना से यही चीज़ क्या की है, अडॉप्ट की है। तो कहीं ना कहीं उसका एक पोर्शन, ठीक है, तो ये क्या है कि उसका पेट्रियार्की सिस्टम है कि जो उसने देखा, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ये कहा जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्चस्व है वो पुरुषों का ही चलता है, वो जैसा कहते हैं वो चीज़ सही होती है, तो ये गलत है। मेल डोमिनेंस सोसाइटी, सेकेंड आपका क्या है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी, कि जो ये सोसाइटी है ना उस पर डोमिनेंस वर्चस्व किसका है, व्यक्ति का है, एक आदमी का होता है। फैमिली रिचुअल्स, बहुत सारे ऐसे फैमिली रिचुअल्स में आप देखेंगे कि औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, कि नहीं पहले नहीं, पहले आदमी खा लेंगे फिर औरत खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं कि हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि जो पुरुष है उसको अधिक अधिकार देते हैं एक महिला के अपेक्षा। ट्रीटिंग विमेन एज अ वीकर सेक्स। क्लियर। दैट मीन्स कि जो फीमेल है ना उनको एक कमज़ोर वर्ग की तरह देखना, कि उनका जो नेचर है वो क्या है, वो वीकर है, वो काम उतना नहीं कर सकती, तो उनको हमेशा से एक अबला की तरह ट्रीट किया जाता है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। लड़की भी सेम काम कर रही है जितना लड़का करता है, बट काम के प्लेस पे भी क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, वेजेस में भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि अगर लड़की है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि अगर वो आती है तो उसको डाउरी देना पड़ेगा। क्लियर। तो मेल या फिर ये सोसाइटी हम कह सकते हैं कि अपनी कमज़ोरी जिसको वो दूर नहीं कर सकते, उस कमज़ोरी को छुपाने के लिए वो किसी के लाइफ को भी जो है ख़त्म कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, तो एजुकेशन का डिस्क्रिमिनेशन भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन की जगह हम स्पेशल स्कूल्स, इंटीग्रेटेड या मेन स्ट्रीमिंग पे फोकस करते हैं। तो ये कॉजेज हैं किसके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। लोग लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, या अगर भाई बहन है, पैसा सिर्फ थोड़ा ही है तो लड़के को ही पढ़ाओ, लड़की पढ़ लिख के क्या करें, अंत में तो उसको जाके दूसरे घर काम ही करना है। तो इस टाइप की जो सोच होती है ना वो आज के समय में भी कहीं ना कहीं है सोसाइटी में, तो इस चीज़ को हमको दूर करना। ये तो कॉजेज हुए, जो कारण है कि आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ह्यूमन राइट्स, क्योंकि एजुकेशन तो सबका राइट है भाई, तो फिर भी आप उससे बच्ची को वंचित कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ है ये क्या है, कारण है। अब हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए रिमूवल, देखिए 48.5% वुमेन पॉपुलेशन हमारे देश में है, मतलब कि मेल 52% और 48.5% फीमेल हैं, बट सोचिए आप अगर एक अप्रॉक्स मानिए तो 50-50% पॉपुलेशन है। अगर मैंने 2% बढ़ा दूं तो 50-50% पॉपुलेशन है, बट क्या इक्वालिटी हमें बराबर मिलती है, क्या अपॉर्चुनिटी बराबर है, क्या वेजेस बराबर हैं, क्या एजुकेशन में माता पिता बराबर का वो योगदान देते हैं, क्या गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएट किए हैं, बट कहीं ना कहीं आज भी हम उससे जो है पीछे हैं। गर्ल्स एजुकेशन इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम, तो पहली चीज़ है कि बहुत बल दीजिए गर्ल्स की एजुकेशन पे, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी थोड़ा सा आपको चेंज करना है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल्स, अगर आप स्कूल में हैं तो लड़कों पे ज़्यादा फोकस मत करिए, और ये भी नहीं कि नहीं लड़कियों पे भी करिए, क्यों, क्योंकि अगर आप लड़की पे भी ज़्यादा फोकस करें तो वहाँ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़के के साथ। तो बेहतर ये है कि आप जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए दोनों जेंडर को आप कॉमन महत्व दीजिए। एंड फोर्स अर्ली मैरिज एंड प्री मैच्योर प्रेगनेंसी, इसके साथ ही यहाँ पे आप जो जल्दी विवाह होता है ना, कि बच्ची जो है अभी 18 साल जो है उम्र है, तो ये क्या है कि 18 साल से पहले ही कुछ लोग तो शादी, अब वो लीगल नहीं है बट फिर भी
18 होते होते या 20 होते तो ग्रेजुएशन पास करी तो ठीक है शादी कर देते हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा बचिए। और इसके साथ ही प्री मैच्योर प्रेगनेंसी, कभी कभी क्या होता है उम्र बहुत कम होती है और प्रेगनेंसी जो है वो बच्चे की लड़की की हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आबाद, आबाद क्या है, अपनी बेटी अपना धन, तो ये गवर्नमेंट, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं गवर्नमेंट की एक स्कीम है आबाद अपनी बेटी अपना धन, जिसमें कि वो लोग क्या करते हैं कि बच्चियों के लिए इन्होंने इसमें प्रावधान लाए हैं कि अगर उसको पढ़ा लिखा करके आप करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट भी कुछ उसके जो है शादी के टाइम में क्या करती है पैसा देती है। इंक्रीजिंग वुमेन एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ ही औरतों का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी आप बढ़ाइए, कुछ ऐसे सेक्टर्स में औरतों के लिए जो है आप अच्छी अच्छी नौकरी लेकर आइए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। अब बात आती है इनिशिएटिव एंड मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या किया गया, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है आपसे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए टू स्टॉप द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये जो आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये आंसर जो है ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम करने वाला है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनिशिएट की गई हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर, देखिए यहाँ पे ना जितनी भी आपको चीज़ें मिल रही हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, तो बिल्कुल भी डाउट किए बिना बिल्कुल अच्छे से कामली शांति से बैठ के पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखिए, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए एज़ पर द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2020 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया रैंक्स 112 आउट ऑफ 153 कंट्रीज़। सोचिए इंडिया की कंडीशन जो है ग्लोबल जेंडर गैप, जो जेंडर गैप जिसकी हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन ना, कि मेल और फीमेल के बीच में जो गैपिंग है कि मेल को आप कितना बढ़ा रहे हैं तो फीमेल को कितना बढ़ा रहे हैं, उसमें 153 में भारत 112वां नंबर है, तो हमें इस चीज़ को क्या करना है कम करना है। 112 का मतलब अच्छा नहीं है, वो बहुत ही ख़राब है। क्लियर, तो ये आप इसका रिपोर्ट का आप ये लिंक डाल सकते हैं अपने आंसर में, इससे जो है क्या होता है कि जो फैक्चुअल डाटा वाली चीज़ें होती हैं ना वो आपके मार्क्स को बढ़ाती है, एग्जामिनर जब उस चीज़ को रीड आउट करता है इसको बिल्कुल डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके अंडरलाइन कर वर के अच्छे से लिखेंगे तो वो काफ़ी खूबसूरती से जो है समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहली स्कीम है महिला समाख्या स्कीम, जिसको हम क्या कहते हैं MSS, 1989 में आई थी। आप सिर्फ नाम भी दे देंगे और एक एक लाइन उसके बारे में तो भी काफ़ी है। महिला समाख्या स्कीम जो है ये औरतें जो कि गांव के साइड में जो रूलर वाली औरतें हैं जो गांव में रहने वाली हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए और उनके एजुकेशन के लिए लाई गई स्कीम थी। साकार भारत, साकार भारत जो है ये एडल्ट एजुकेशन को एक्सेलरेट करने के लिए बढ़ाने के लिए लाई गई थी। RTE अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए मैंने इसमें उतना नहीं लिखा है। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो आर्टिकल 21A के तहत आपके 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान बताता है, बट अगर डिसेबल्ड की बात होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर डिसेबल्ड की बात होगी तो 6 से 14 नहीं 6 से 18 साल होता है। क्लियर, सबला जो है 11 से 18 साल के बच्चों उनके लिए है, ये वो माएँ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके न्यूट्रिशन में उस समय आयरन की गोलियां फॉलिक एसिड ये सब फ्री में दी जाती ताकि बच्चा जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, इसके लिए सबला स्कीम को लाया गया। आई होप कि आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको पीडीएफ जो है आपको चाहिए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, राजर्षि क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी और आप जब चाहें तब सभी पॉइंट्स को बिल्कुल आसानी से जो है रिकॉल कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्लियर, अब आते हैं इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन पे। तो देखिए इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन से मतलब ये होता है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जिसमें ना जो धन होता है पैसा, जो पैसा है उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन सिंपल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। सो टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ये फैक्टर्स में जैसे कि जॉब अवेलेबिलिटी हो गया, क्लियर, जॉब अवेलेबिलिटी कि जॉब जो है कहाँ कहाँ मिल रही हैं, वेजेस, प्राइसेस, इसके साथ ही अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड होती हैं।
क्लियर। तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन में आपको पता है कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन में बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी, जैसे कि आपकी जॉब अवेलेबिलिटी, वेजेस हो गए, प्राइजेस हो गए और गुड्स और सर्विसेज के दाम हो गए। अब फॉर्म्स, अब ये आपका क्या है, फॉर्म्स की बात कर रहा है, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ये आपका क्या है, ये है आपका फॉर्म्स, ठीक, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए, पहला है वेज डिस्क्रिमिनेशन। वेज मतलब जो आपको जो दिहाड़ी मजदूर वाले होते हैं उनमें, तो उनमें भी आप देखेंगे जो मेल होता है ना, जो वेजेस मिलते हैं उनको ज़्यादा मिलते हैं जबकि फीमेल को कम मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, कई कई जगह आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, कुछ जगह होती है जहाँ फीमेल को दी जाती है, दोनों ही जगह डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना है कि फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देकर, क्योंकि तब भी आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा और ना मेल को देना है, ठीक। नेक्स्ट इज़ योर हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी जो एम्प्लॉयमेंट भी देने की बात होती है वहाँ पर होता है हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग, किसी चीज़ को हम हायर कर रहे हैं कि हमें किसी लोग की ज़रूरत है, बट हमें क्या चाहिए, मेल टीचर ही चाहिए। क्यों भाई, फीमेल में वो एबिलिटी है, उसके बाद भी हम नहीं रखेंगे, या मेल को रखेंगे, फीमेल को ही रखेंगे। रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि रीजन क्षेत्रीय जो होता है कि भाई हम अपने क्षेत्र के ही लड़के या लड़की को रखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन प्राइस, कि इस स्टेट का है तो उसको इतना दूसरे का होगा तो कम देंगे। सर्विसेज डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई जो लोकल में है उनको ही हम वो सुविधा देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। अब इसके कारण क्या हैं, तो ये इसके रीजन्स हैं। रीजन्स में पहला है इनएक्विडेट फंडिंग। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको देखने को मिलता है या प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिलता है डिस्क्रिमिनेशन, तो पहली चीज़ कि वहाँ क्या है, फंडिंग की कमी है, ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंडिंग और ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं, जैसा मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड सेट। हमारी जिस प्रकार से होती है अपब्रिंगिंग ना, हम उसी प्रकार से चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं। तो फंडिंग और स्टेटस ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं, सबसे पहले व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है दैट मेक हिम टू डिस्क्रिमिनेट इन द इकोनॉमिक सेक्शन, क्लियर। तो फर्स्ट है इनएक्विडेट फंडिंग, सेकेंड है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, थर्ड है हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो ऐसा तो बहुत बार होता है कि शिक्षा जो है भाई इतनी महंगी हो गई तो हम क्या करें, फिर हमें भी इतना महंगा करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज़ द मिसयूज़ ऑफ फंड, कि वहाँ से निकला 50 रुपये और हमारे पास आते आते वो 1 रुपया हो जाता है, बीच में जो लोग बैठे हैं उनको भी खाना होता है। तो फंड्स का भी मिसयूज़ है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन बच्चे नहीं पढ़े बट नेताजी का घर बार ये सब कुछ हो जाता है। तो ये इसके क्या है, रीजंस हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने फॉर्म्स देख लिए, हमने रीजंस देख लिए, अब हम उसके रिमूवल की बात करेंगे। तो रिमूवल में आपका क्या है, सबसे पहला कि कोटा, स्कूल्स में हम कोटा दें, स्कॉलरशिप्स दें, फ्री में बुक्स और जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, लोन दें एजुकेशन के लिए, और फ्री रेसिडेंशियल स्कूल्स, मतलब कि जो रहने, जहाँ पे बच्चा रहे, खाए पिए, सब कुछ करे, वो सब कुछ जो है फ्री में दें, ठीक। तो सरकार ऐसा देने में, वैसे सरकार को तो कई साल लग जाएंगे, जब भी दे तो उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कब जल्दी से कम हो, कि जो गरीब है उसका बच्चा भी भाई क्वालिटी एजुकेशन ले सके, जो बहुत ज़रूरी है। एक देश के डेवलपमेंट में हर एक एक बच्चे का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही रीज़न है कि हमें, हमारे देश में आज सही एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन तो है, ऐसा नहीं है नहीं है, बट वो एजुकेशन जो है ना, ब्रिटिशर्स ने एक होता है ना रट्टू तोता वाला, वो बना दिया है, तो उसको छोड़ करके क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, क्लियर। तो ये आपका इकोनॉमिक जो है, ये डिस्क्रिमिनेशन की हमने बात की। अब क्वेश्चन में ना हम बात करते हैं उस टॉपिक की जो आपके क्वेश्चन में टेल लगाकर पूछ देता है कि भाई एज अ टीचर आप क्या करेंगे। शॉर्ट में भी पूछ देता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी लास्ट में लगा देगा, एज अ टीचर हाउ वुड यू प्रिवेंट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या हाउ यूड यू प्रिवेंट। तो मैक्सिमम जेंडर से ही पूछता है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आगे भी जब आप पढ़ेंगे, सीटेट देंगे, यूपीटेट, वहाँ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक है। तो एज अ टीचर देखिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, यहाँ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, आपको 9-10 पॉइंट लिखे हुए हैं, बिल्कुल नेचुरल पॉइंट्स हैं ये। नेचुरल कहने का मतलब है कि आप इसको बिल्कुल फील करेंगे भाई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो रटने की कोई बात है नहीं। देखिए पहला, बी रिफ्लेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, कि आप जो चीज़ करने गए हैं अपने व्यवहारों में ट्रांसपेरेंसी रखिए, ऑब्जेक्टिविटी रखिए और रिफ्लेक्टिव रहिए। दूसरा है यूज़ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ कर, जैसे मैंने बताया
कैमरा मैन या कैमरा वुमेन बोलने से बेहतर है कैमरा पर्सन बोलिए, क्लियर। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को नहीं दिखाते हैं। अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग चिल्ड्रेन, बहुत ज़्यादा ना तो लड़कियों पे फोकस करिए ना लड़कों पे फोकस करिए। सेल्फ रेगुलेट योर इंटरेक्शन विद द चिल्ड्रेन, इसके साथ ही जो आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको खुद से भी रेगुलेट करिए, सेल्फ रेगुलेट करिए कि जो एक्शन आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आस्क ऑल स्टूडेंट, अगर आप कोई भी क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो इन्श्योर करिए कि 98% तक बच्चे उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें। 100% तो हम वैसे भी मान के चलते नहीं हैं। सीट एंड ग्रुप स्टूडेंट इंटेंशनली, इसके साथ ही अगर बच्चे ग्रुपिंग किए हुए हैं तो आप उनको अलग अलग ग्रुप में करिए, ये जानते हुए कि आप उस चीज़ को कर रहे हैं फिर भी आप करिए, क्योंकि वो बच्चे के वेलफेयरमेंट में है। यूज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड से क्या होगा कि बच्चे कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उनका आपस में पीयर इंटरेक्शन बढ़ेगा। अवॉइड आस्किंग स्टूडेंट टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ देयर जेंडर, इसके साथ ही बच्चों को रोकिए कि वो अपने जेंडर के बिहाफ पे ना बोलें, ठीक। कि जैसे लड़का है तो लड़के के लिए बोले, लड़की है तो लड़की के लिए, कोई टॉपिक है तो वो अपने ही जेंडर से रिलेटेड चीज़ों को बोले कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर तो ये है, तो फेवरेट क्रिकेटर या फेवरेट प्लेयर में अगर पूछा जाए तो आप उसको फीमेल का भी पूछिए कि लड़कियों में तुम्हारी जो है वुमेन क्रिकेट टीम में कौन सी फेवरेट है, तो बिहाफ पे जेंडर पे बोलने पे, ताकि वो दूसरे जेंडर की तरफ भी क्या हो, कम्युनिकेट करें, सहज महसूस कर पाएँ। बी अ रोल मॉडल, आप अपने एक्शन से अपने टेक्निक से दूसरे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनने की भी तैयारी करें। वुमेन विजिबिलिटी, इसके साथ ही औरतों की विजिबिलिटी, चूँकि हम देख रहे हैं कि हम कितना भी डिस्क्रिमिनेशन कर लें कहीं ना कहीं लड़कियां इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं महिलाएं, तो वुमेन विजिबिलिटी को अपने स्कूल में या अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें। वुमेन विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप औरतों को क्या करें, बुलाएं एज अ गेस्ट, और अगर ये कम्युनिटी रिसोर्स है तब तो वो बेस्ट होगा। अब ये कम्युनिटी रिसोर्स क्या है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स मतलब ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके उसी कम्युनिटी से ही आते हैं, उसी कम्युनिटी मतलब बच्चे के ही। अगर किसी की मम्मी है जो डॉक्टर हैं, या उसमें से किसी की मम्मी है जो टीचर भी है, या कोई भी जो है पद पर हैं, तो आप उनको इन्वाइट करिए और बताइए कि देखिए ये इनके मम्मी हैं और ये काम करती हैं, ठीक। तो कम्युनिटी रिसोर्स बच्चे का यूज़ करवाइए ताकि बच्चे उससे क्या हो सके, कनेक्ट हो सके, और उनको भी समझ में आए कि अच्छा ये ऐसा कर रही है तो मेरी भी मम्मी को मुझे टाइम देना चाहिए, मेरी मम्मी ऐसा कर सकती हैं, ठीक। तो ये आपका किस रिलेटेड था, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो आपका पूरा एक क्वेश्चन आपका जो है प्रिपेयर हो गया। अब ये है आपका पार्ट बी, ये आपका क्या है, ये आपका है पार्ट बी वाला पोर्शन, यूनिट टू का पार्ट बी, जिसमें आपसे एबिलिटी और डिसेबिलिटी रिलेटेड डोमेन से क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्लियर। तो कभी भी आपसे दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, एबिलिटी पूछेगा या तो डिसेबिलिटी पूछेगा, क्लियर। कभी आपसे पूछ देगा एबिलिटी रिलेटेड जो बताइए, कभी आपसे पूछ देगा कि डिसेबिलिटी डोमेन में प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होते हैं उसको। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एबिलिटी होती क्या है। तो देखिए एबिलिटी का मतलब होता है, एबिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है, जो तरीका, जो क्वालिटी है, दैट इज़ द एबिलिटी। और ये जो एबिलिटी ग्रुपिंग होती है ना, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, विद इन क्लास ग्रुपिंग एंड बिटवीन क्लास ग्रुपिंग, क्लियर। एक है विद इन क्लास ग्रुपिंग, एक है बिटवीन क्लास ग्रुपिंग। तो देखिए विद इन क्लास का मतलब क्या है कि आपने जो है ना सिमिलर ग्रुप के बच्चों को, सेम क्लास के हैं, सब एक जैसे हैं, उनको एक साथ बैठा दिया। और बिटवीन क्लास क्या है, जैसे आपके दो तीन सेक्शन है, 4A 4B 4C या कोई भी क्लास का है, तो अलग अलग बच्चों को आपने अलग अलग बच्चों के साथ पेयर कर दिया। इसमें क्लासेस अलग अलग भी हो सकते हैं, 4 का 5 के साथ भी हो सकता है, क्लियर। अब यहां सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानना ज़रूरी है कि एबिलिटी बेस्ड में कितने बच्चे आते हैं, डिसेबिलिटी डोमेन में, क्योंकि अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं जब पेपर में पूछता है कि एबिलिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस को लिखिए, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एबिलिटी बेस्ड डोमेन, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें तीन बच्चे आएंगे, एक आएंगे गिफ्टेड, क्रिएटिव एंड टैलेंटेड। कौन कौन आएगा, गिफ्टेड, क्रिएटिव एंड टैलेंटेड, ठीक। तो यहां पर गिफ्टेड हो गए, क्रिएटिव हो गया और टैलेंटेड हो गया, ठीक। तो GTC से याद रख सकते हैं आप, GTC जो है आपका, ये आप न्यूमोनिक के रूप में याद रख सकते हैं, GTC, गिफ्टेड हो गए,
टैलेंटेड हो गए एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, गिफ्टेड टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, ये किस में आते हैं? एबिलिटी बेस्ड चिल्ड्रन में आते हैं एबिलिटी, ठीक, जिनकी अच्छी खासी एबिलिटी होती है। तो अब आपको इन्हीं बच्चों का, जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना, इन्हीं का एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, करिकुलम, इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, गिफ्टेड बच्चे होते कौन हैं? तो यहाँ पे टर्मन और विटी की एक डेफिनेशन है, द गिफ्टेड चिल्ड्रन आर सुपीरियर, ये बच्चे जो है बहुत ही अच्छे होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट, इंटेलिजेंट एंड सोशल पर्सनैलिटी। मतलब कि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं ना, वो फिजिकल अपीयरेंस से भी बहुत अच्छे होते हैं, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट भी होते हैं और एजुकेशन के फील्ड में इनकी अचीवमेंट भी बहुत ही अच्छी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि भाई इनके साथ क्या है ना कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्यूरियस होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं, ये किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड में प्रोसेस करके आंसरिंग करने में माहिर होते हैं, क्लियर, ओरिजिनल और क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ये सबसे बड़ा जो है आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है गिफ्टेड बच्चे का। इसको मत भूलिएगा कि ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग किसका होता है? गिफ्टेड चिल्ड्रन का होता है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का क्या होता है? ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक। इसके साथ ही इनके पास जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी होती है, क्योंकि ये तेज दिमाग के होते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब हम इन बच्चों को पहचान कैसे सकते हैं? तो आवर पॉपुलेशन हैज 10% ऑफ इस टोटल पॉपुलेशन एज गिफ्टेड, हमारी पॉपुलेशन में, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जितने भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छे से आंसर राइटिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ समझने के लिए भी, क्योंकि जो ये मैंने इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये कोई एक किताब से ली हुई चीज़ नहीं है, मैंने इसमें बहुत मेहनत किया है तब ये नोट्स को प्रिपेयर किया है, ताकि इससे बाकी बच्चों को क्या हो, बेनिफिट हो। तो आप इसमें और अधिक से अधिक कंटेंट मिलाने से बेहतर है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, टू द पॉइंट है, टेक्निकल वर्ड्स है, तो आप इसका यूज़ करके अपने मार्क्स को इफ़ेक्टिव और बेहतर करके अच्छे से अच्छा परसेंटेज लेकर आइए। तो देखिए, हमारा जो पॉपुलेशन, उसमें 10% टोटल पॉपुलेशन जो है वो गिफ्टेड होता है, उसमें भी 5% ही बच्चे वेरी गिफ्टेड में आते हैं। समझ में आया कि पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 10% बच्चे गिफ्टेड होते हैं, उसमें भी वेरी गिफ्टेड सिर्फ 5% होते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि भाई बच्चा गिफ्टेड है या नहीं? तो पहला है जो अलग अलग टेक्निक्स, टूल्स होते हैं ना इवेल्युएशन के, मूल्यांकन करने के, क्योंकि आप कैसे पहचानेंगे? शक्ल देख के तो पहचानेंगे नहीं ना, आप टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, यही सारा तरीका तो है, तो यही आप आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाएंगे। क्या क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, उसका हम पुराना पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, भाई देखें बच्चा का अचीवमेंट कैसा है, अचीवमेंट टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, पेरेंट्स की ओपिनियंस और दोस्तों से पूछेंगे, बताओ सारी चीज़ें बताता है, कितना देर पढ़ता है, क्या करता है, इंटरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्रिएटिविटी टेस्ट, अलग अलग टेस्ट करके हम बच्चे के पता कर सकते हैं कि बच्चा आपका क्रिएटिव है या नहीं। समझ में आया? तो देखिए, क्रिएटिव टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सब नॉर्मल है, इसमें कुछ उतना नहीं है, नॉर्मल से आप भी बोलिए कि कौन कौन से टेस्ट हो सकता है, क्रिएटिव, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, क्लियर, उसके साथ ही ओपिनियंस ले लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्लियर। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी है वो है एजुकेशन, क्लियर। आपसे पेपर में पूछता है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको यही पॉइंट्स को लिखना है, जो ये टूल्स हैं ना आपके, यही, क्लियर। अब देखिए, एजुकेशन के लिए चूंकि बच्चा क्या है, गिफ्टेड है, वो चीज़ों को आसानी से सीख ले रहा है, आपके एक बार बताने से उसके दिमाग में सारी चीज़ें प्रोसेस हो जा रही हैं, तो इनके लिए हमको स्पेशल क्लासेस लेनी होंगी, स्पेशल स्कूल्स होगा, इसके साथ ही स्पेशल अरेंजमेंट विथ जनरल चिल्ड्रन, अगर सामान्य बच्चों के साथ बैठा रहे हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा रहे हैं, तो स्पेशल अरेंजमेंट करना होगा। अब देखिए, ये जो करिकुलम है ना, एनरिच करिकुलम, इसको एकदम अच्छे से लिखिए, गिफ्टेड बच्चों के लिए किस प्रकार का करिकुलम होता है? एनरिच करिकुलम। अब ये एनरिच करिकुलम भी दो प्रकार से आप कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल में क्या है कि भाई बच्चे को क्लास का सब कुछ आ रहा है तो नेक्स्ट पे बढ़ा दें, और वर्टिकल में क्या है, क्लास ही आप डकवा दें, ठीक। एक्सीलरेशन मतलब अरेंजमेंट जो आप कर रहे हैं क्लास के साथ, उसके कई तरीके हैं, पहला तो करिकुलम को आपने एनरिच कर दिया, दूसरा एक्सीलरेट कर दिया, यहाँ पे ग्रेड्स बढ़ा दिए, टेलीस्कोप ग्रेड्स दे दिए, या फिर अर्ली एडमिशन, उसको दूसरे क्लास में ही कर
दिया। यूज़ ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड, तो हर बच्चे के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड होता है, तो जो गिफ्टेड है उसके लिए आप और अच्छे टीचिंग मेथड्स को यूज़ करिए। इसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चा गिफ्टेड है तो टीचर को भी उस हिसाब का होना पड़ेगा, तभी वो बच्चे के डाउट्स को, उसके क्यूरियोसिटी को, उसके इंटरेस्ट को क्या कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा। क्लियर? तो करिकुलम में हमेशा याद रखिएगा, एनरिच करिकुलम इज़ यूज्ड फॉर द किसके लिए यूज़ होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रेन। क्लियर? तो साथ में बोलते भी रहा करिए, मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली, अगर आप साथ में बोलते भी रहेंगे तो भी वो चीज़ आपके माइंड में सेटअप होती रहेगी धीरे धीरे। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्रिएटिव बच्चों पे। तो देखिए, क्रिएटिव बच्चे कौन होते हैं? क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं ये हमारी सोसाइटी के लिए एक एसेट होते हैं। क्यों होते हैं? सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए भी। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, देखिए इसमें ना जो चीज़ें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आगे के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं इस पर खास फोकस कर रही हूँ। गिफ्टेड बच्चों के लिए आप कैसे करिकुलम की मांग कर रहे हैं, तो आप एनरिच करिकुलम की मांग कर रहे हैं। और जब आप बात करते हैं किसकी, क्रिएटिविटी की, किसकी बात करें, क्रिएटिविटी, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बच्चा क्रिएटिव होगा ना वो डाइवर्जेंट थिंकर होगा। क्रिएटिव बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर होगा, बट डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव हो ये ज़रूरी नहीं है। अरे मैडम क्या बोल दिया, कन्फ्यूज़न हो गई होगी। फिर से मैं बताती हूँ कि जो बच्चा क्रिएटिव होगा ना, जो बच्चा सृजनात्मकता जिसके अंदर होगी वो डाइवर्जेंट थिंकर होगा। बट ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकर होता क्या है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके सामने एक समस्या है, तो जो डाइवर्जेंट थिंकर होगा वो उस समस्या का एक रूप में नहीं, कई रूपों में समाधान देने में सक्षम होगा। आप उससे कोई प्रश्न पूछेंगे, वो उस प्रश्न को कई तरीकों से समाधान करने में काबिल होगा। जो सृजनात्मक सृजनशील बच्चे होते हैं उनको आप कोई भी चीज़ दीजिए, वो उसे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स कर देते हैं। तो यही चीज़ होती है डाइवर्जेंट थिंकर। तो हमेशा ध्यान रखें कि क्रिएटिव चिल्ड्रन के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। इसके साथ ही जो इनकी थिंकिंग है उसमें मौलिकता, ओरिजिनैलिटी होगी, फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलाबोरेशन। क्लियर? ये याद रखिएगा, इसको आप FFOE से याद रखेंगे कि क्रिएटिव चिल्ड्रन में आप FFOE याद रखेंगे, ठीक है? या फिर इससे अच्छा आप इसको याद रख सकते हैं ऑफे से। कैसे याद रख सकते हैं? ऑफ़े क्या है आपका? ओरिजिनैलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलाबोरेशन। क्लियर? ऑफ़ो हम बोलते हैं, तो ऑफ़े कर लीजिए। क्या क्या है क्रिएटिव चिल्ड्रन में? ओरिजिनैलिटी, साथ में बोलिए, ओरिजिनैलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एलाबोरेशन। क्लियर? तो ये क्रिएटिव बच्चों के, अब इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं भाई, कि ये एलिमेंट्री स्कूल टाइम में कुछ क्रिएटिविटी करने में दिमाग रहता है, तो ड्राइंग ये सारी चीज़ों में इनका कीन इंटरेस्ट रहता है। हायर एजुकेशन में रिफ्लेक्टिव मेथड इनके लिए बेस्ट होता है। क्रिएटिव प्रोडक्शन करते हैं, सेल्फ डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब भाई हम इनको कैसे पढ़ाएं, मेथड्स ऑफ टीचिंग हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, किन बच्चों के लिए, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, तो इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी, इनडिपेंडेंट स्टडी, खुद से बच्चा पढ़ करके कुछ अलग करे, और उसके बाद सिनेटिक्स टीचिंग मॉडल। अब ये सिनेटिक्स टीचिंग मॉडल आपके लिए नया है। क्या है सिनेटिक्स टीचिंग मॉडल? तो ये जे गॉर्डन द्वारा दिया गया है। यहाँ पे दो है, एक इसके सिनेटिक्स टीचिंग मॉडल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है? एक्सप्लोरिंग द अनफेमिलियर। दूसरा कहता है क्रिएटिव समथिंग न्यू। जो चीज़ बच्चे को नहीं पता पहले बच्चा उसको एक्सप्लोर करे और उसके बाद उससे कुछ वो नया जो है वो करे। क्लियर? तो ये सिनेटिक्स टीचिंग मॉडल होता है जिसे जे गॉर्डन ने दिया है। तो मेथड ऑफ टीचिंग तीन है, किसके लिए? क्रिएटिव बच्चे के लिए जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है। पहला है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा है इंडिपेंडेंट स्टडी और तीसरा है सिनेटिक्स टीचिंग मॉडल। क्लियर? तो इनके एजुकेशन की जो बात की गई वो कहा गया कि पहले 10 साल जो है उसको नॉर्मल बच्चों के साथ रखा जाए, उसके बाद जो है बाद में उसको बाहर किया जाए। अब हम बात करते हैं टैलेंटेड बच्चे की। देखिए, आज से पहले जब आप सुने होंगे तो आपको गिफ्टेड भी वही लगता होगा जैसा कि आप उसको सुने दूसरे वाले को, क्रिएटिव भी गिफ्टेड की तरह लगता होगा, टैलेंटेड भी उसी की तरह। हम तीनों को एक ही सिनोनिम्स में यूज़ करते हैं, बट अब आपको अंतर समझ में आ रहा हो कि तीनों बच्चों में क्या क्या अंतर होता है। क्लियर? अब देखिए, हम टैलेंटेड किसको कहते हैं? टैलेंटेड वो होते हैं जिनके जो है कुछ
एक आध फील्ड में जो बहुत अच्छा करते हैं, जिनके पास ना प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही बेहतरीन होती हैं। तो टैलेंटेड देखिए क्या है, दोज हु हैव प्रैक्टिकल स्किल्स इन एरिया सच एज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डिज़ाइन और परफॉर्मिंग आर्ट, ऐसे कुछ एरिया में जिनके पास बहुत ही अच्छी जो है स्किल्स होती हैं। इन बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, कि ये बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, एक्सीलेंट मेमोरी, इनकी मेमोरी बहुत ही तेज होती है, क्रिएटिव होते हैं और इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, और इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो बहुत तगड़ा होता है। यहाँ एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि टैलेंटेड जो होते हैं फंक्शन होते हैं A into C। अब A क्या है, एप्टीट्यूड, और C क्या है, कैटलिस्ट। यहाँ पे देखिए एक फिगर भी बना हुआ है आपका कि एकेडमिक, टेक्निकल, आर्टिस्टिक, इंटरपर्सनल और एथलेटिक, ये एक कंपोनेंट है जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनका, क्लियर। तो अगर आपको ये डायग्राम एग्ज़ाम में बनाना है, पूछता है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जब भी आपसे पूछेगा एबिलिटी, तो आपको इन तीनों को लिखना है। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि ये आपका आंसर ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग है, तो इसमें से कुछ मैंने इसीलिए बिल्कुल कीवर्ड्स और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर को बनाया है, क्योंकि आपसे तीन पूछा है और उस तीन में भी आपसे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर अधिक जोर डालेगा। तो जो भी पूछे उसको लिखें, दो या तीन लाइन में सिंपल शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, उसके बाद उनके एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और आइडेंटिफिकेशन लिख करके तीनों को आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं डिसएबिलिटी डोमेन की। देखिए जैसे एबिलिटी में तो आपने तीन देखा, जिसको हमने GTC से याद कर लिया। डिसएबिलिटी डोमेन में बहुत सारे फैक्टर्स रन करते हैं, डिसएबिलिटी में बहुत सारे, आप जहां देखेंगे ना वहां आपको अलग अलग डिसएबिलिटी फैक्टर देखने को मिलेगा। तो यहां पे देखिए डिसएबिलिटी जो है ये इंडिविजुअल फंक्शनिंग के लिए यूज़ हम करते हैं। अगर डिसएबिलिटी का यूज़ करेंगे किसी भी इंडिविजुअल की जो फंक्शनिंग होती है, पूरे ग्रुप के लिए कभी डिसएबिलिटी का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक इंडिविजुअल के फंक्शनिंग में हम डिसेबिलिटी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कितने प्रकार के बच्चे हैं जो कि डिसेबल्ड होते हैं, तो यहाँ पर 8 तो मैंने ही लिखे हैं, इसके अलावा कुछ कुछ बुक्स में आपको इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो आपको ऐसा नहीं कि 15-20 नहीं लिखना है, सिंपल आप जितना लिख सकें, 8 है। देखिए फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने इन 8ों को लर्न कर लिया, आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा, आपने 8ों को सिर्फ नाम भी लिखा, तो आपका आंसर ऐसे ही बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको उतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें हैं जो आप थोड़ी थोड़ी भी सबके बारे में लिखते जाएंगे ना, तो आपका पेज भी भरेगा, आपका आंसर भी हो जाएगा और बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आंसर बनेगा। तो इन सब आंसर्स की जो है अच्छाई होती है। तो यहाँ पर अगर आप जो है पहली बार वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, इसके साथ ही पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लें, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। तो देखिए पहला है एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, दूसरा है बैकवर्ड चिल्ड्रेन, उसके बाद डिप्राइव्ड, डेलिक्वेंट, मेल एडजस्टेड चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड। तो देखिए अलग अलग बच्चे की बात यहाँ पे की गई है, 8 प्रकार के। तो पहले इन 8ों को आप अपने साथ दो बार जो है उसको बोलिए, कौन कौन से बच्चे हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, बैकवर्ड चिल्ड्रेन, साथ में बोलिए एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, बैकवर्ड चिल्ड्रेन, एक्सेप्शनल, बैकवर्ड, डिप्राइव, डेलिक्वेंट को एक साथ कर लीजिए, एक्सेप्शनल, बैकवर्ड, डिप्राइव, डेलिक्वेंट, मेल एडजस्टेड, उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, मेल एडजस्टेड, लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकल हैंडीकैप एंड मेंटली रिटार्डेड, क्लियर। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, एक्सेप्शनल, बैकवर्ड, एक्सेप्शनल, बैकवर्ड, एक्सेप्शनल, बैकवर्ड, डिप्राइव, डेलिक्वेंट, और लास्ट वाला PM है आपका ना, फिजिकली और मेंटली, और फिर लर्निंग डिसेबिलिटी और मेल एडजस्टेड। अब देखिए जब आप एक्सेप्शनल की ही बात करते हैं तो एक्सेप्शनल में खुद बहुत सारे प्रकार के बच्चे आपके आ जाते हैं, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली। तो यही अगर आप एक एक लाइन भी लिख दें तो आपका आंसर तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। यूनिक टैलेंट और स्पेशल एबिलिटी, अब देखिए एक्सेप्शनल कहते किसको हैं, यूनिक टैलेंट और स्पेशल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड, मतलब एक्सेप्शनल जो विशिष्ट बोलते हैं ना, वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही खास काम जो बच्चे करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, क्लियर। दूसरा है बैकवर्ड चिल्ड्रेन, बैकवर्ड बच्चे कौन से होते हैं, हु आर बैकवर्ड एजुकेशनली, दोज हु लैग बिहाइंड इन एजुकेशनल फील्ड ड्यू टू देयर
डल माइंडेडनेस, मतलब यहाँ जो बैकवर्ड की हम बात कर रहे हैं ये उन बच्चों में है जो शैक्षिक लैग जिनके पास है, मतलब जो एजुकेशन के फील्ड में पिछड़ गए हैं। उनके पिछड़ने का कारण क्या है, तो उनके जो है दिमाग का कम होना, डल माइंडेडनेस, उनका दिमाग जो है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, धीरे धीरे करता है। मेनन की यहाँ पे एक कोटेशन है, अ बैकवर्ड चाइल्ड इज़ वन ईयर ओल्डर दैन द एवरेज चिल्ड्रेन ऑफ हिज क्लास। क्लियर, बैकवर्ड चिल्ड्रन उसको कहेंगे जो अपने एवरेज जो उसकी क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों से एक साल क्या है, ओल्डर है। क्लियर, उसको चीज़ें बाद में समझ में आती हैं। इसके साथ ही आप एजुकेशन के फील्ड में EQ जो है आप कोशेंट के थ्रू निकाल सकते हैं कि बच्चा बैकवर्ड है या नहीं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आपको एजुकेशनल कोशेंट का फॉर्मूला दिख रहा है, EA/CA/100। ये फॉर्मूला भी आप राइट कर सकते हैं। EQ क्या है आपका, EQ है एजुकेशनल कोशेंट। कैसे पता करेंगे बच्चा बैकवर्ड है या नहीं, तो EA क्या है, एजुकेशनल जो है अचीवमेंट उसका कितना है। क्लियर, उसके साथ ही उसकी एज कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपका EQ 90 से कम आता है, क्लियर, EQ अगर 90 से कम आता है तो आपका बच्चा बैकवर्ड में जाता है। बैकवर्ड भी जनरल स्पेसिफिक कई प्रकार के होते हैं। एजुकेशनल जो इनके प्रोविजंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक दोनों अलग अलग प्रकार से हैं। कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं, तो मेन आप याद रखिए कि दो मेन कॉज होता है, एक हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट। उसके आगे अगर आपको याद आ रहा है तो लिख दीजिए, अदरवाइज़ ये दो बाकी खास हैं। ठीक, तो हमने एजुकेशन देख लिया, एक्सेप्शनल देख लिया, और एक्सेप्शनल के साथ हमने किसको देख लिया, बैकवर्ड देख लिया। अब आते हैं डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है जो वंचित बालक होते हैं जिनको किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। चिल्ड्रेन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ मिनिमम नीड्स फॉर देयर प्रॉपर डेवलपमेंट, ऐसे बच्चे जिनको कि मिनिमम नीड्स जो है उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए नहीं मिल पाती है। इसमें सोशली डिप्राइव्ड बच्चे भी होते हैं, इकोनॉमिकली, कल्चरली, एजुकेशनली। तो डिप्राइवेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है, सोसाइटी से भी हो सकता है, एजुकेशन से भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, कल्चरली भी हो सकता है। क्लियर, नेक्स्ट इज़ योर डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। जो बाल अपराधी होते हैं, डेलिक्वेंट चाइल्ड, ये उनकी बात की जाती है जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट चलना पसंद करते हैं। ठीक, तो who not only violate social rules but also state laws, but delinquent में सिर्फ वो नहीं आते हैं जो violate करते हैं rules को, बल्कि वो भी जो खुद के अपने नियम भी बना लेते हैं। क्लियर, तो delinquent child में भी ना कुछ ऐसे होते हैं types में जिनको हम probation में भेजते हैं। जैसे अलग अलग प्रावधान है, प्रोबेशन मतलब कि उनको जो है कुछ समय के लिए भेजा जाएगा रिफॉर्मेटरी की। हो सकता है कि भाई कम एज का है, डेलिक्वेंट मतलब क्या है कि जो 18 साल के कम के जो बच्चे होते हैं जो अपराध करते हैं, ये उनकी बात की जा रही है। रिफॉर्मेटरी यहाँ पे भी अलग अलग स्कूल्स में उनको बताया जाता है जो रिफॉर्मेटरी की सुधर जाएंगे, और दूसरा जुवेनाइल जेल, उसके बाद जो है जुवेनाइल जेल की बात होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है अपराधी बालक होते हैं। क्लियर, इसके भी कारण देखिए कई हैं, बट मैंने जैसा आपको बताया, आपको अगर याद नहीं आता है एग्ज़ाम में तो दो याद रखिए, एक हेरिडिटी और एक इन्वायरमेंट। इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बाकी दो तो आप मस्ट याद रखिए। क्लियर, नेक्स्ट इज़ योर मैल एडजस्टेड। मैल एडजस्टेड क्या है कि ऐसे बच्चे जिनका बिहेवियर सोसाइटी के रूल्स के, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाता है, कि वो अपने आप को जो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी जो मेल एडजस्टेड बच्चे होते हैं, ये एक माइल्ड प्रॉब्लम भी होती है कि ठीक है थोड़ा बहुत नहीं कर पा रहे, कभी कभी एकदम ही नहीं कर पाते हैं, तो वो सीवियर प्रॉब्लम में आता है। इसका भी वही कारण जो मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, उसके बाद साइकोलॉजिकल आपको याद आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज़ ये दोनों भी आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी पे। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहे बीएड का एग्ज़ाम दें, चाहे आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव लेवल दें, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, द चिल्ड्रन विथ लेस फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़, ऐसे बच्चे जिनका या तो मानसिक या तो फिजिकल दोनों जो है नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा में जो है कम होता है, और इनको ये जो बच्चे होते हैं ना, अधिगम अक्षमता, इनको पढ़ने में कठिनाई होती है। अब ये बच्चे ना कई प्रकार के होते हैं। ठीक, सबसे पहला है डिसकैलकुलिया। देखिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक,
देखिए आपको पढ़ना है ना, तो पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि सबसे पहली जो चीज़ है वो पेशेंस रखनी पड़ती है। अगर आपको कुछ अर्न करना है तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप सोचेंगे आप 10 मिनट में सब कुछ पढ़ लें, ख़त्म कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और होगा भी तो वो कम टाइम के लिए है। तो देखिए डिसकैलकुलिया, यहाँ पर ट्रिक ये है कि कैलकुलेशन आप जानते हैं, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में करते हैं, तो डिसकैलकुलिया जहाँ पर आता है वो ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चे को नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको नंबर्स में कन्फ्यूजन होती है। ठीक, नंबर्स में कन्फ्यूजन होती है, ऐसी डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया, इसमें उसको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज़ योर डिसग्राफिया, यहाँ से ग्राफिया को पकड़िए। ग्राफ का मतलब हमेशा याद रखिए राइटिंग, ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइटिंग। तो राइटिंग रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है ना, वो क्या होता है आपके डिसग्राफिया। इसके साथ ही कभी कभी मोटर स्किल्स जो फाइन वाली होती है ना, क्यों, क्योंकि जो आपकी राइटिंग होती है ना वो फाइन मोटर स्किल्स का ही पार्ट होती हैं। क्लियर, तो ये क्या है कि डिसग्राफिया। उसके बाद जब हम देखेंगे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है ना बहुत ही कॉमन है, और डिसलेक्सिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, डिसलेक्सिया क्या होता है, जो पठन संबंधी विकार होता है कि जो कि बच्चा जो है वो रीड नहीं कर पाता, उसके सामने चीज़ें लिखी तो होती हैं बट उसको सब चीज़ उल्टा दिखाई दे रहा है। सौ को वो वॉज पढ़ रहा है, ठीक, सौ को वॉज पढ़ रहा है, मतलब सब चीज़ उसको गलत उल्टी दिखाई देती है। तो डिसलेक्सिया आप बेस्ट एग्जांपल, अगर आपने मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, तो उसमें जो वो बच्चा रहता है उस बच्चे को डिसलेक्सिया की ही प्रॉब्लम होती है, इसमें उसको डिजिट्स और सब चीज़ें जो है गलत पढ़ता है, क्योंकि जब आपको दिखाई गलत देगा तो आप पढ़ेंगे भी तो उसको गलत ही। तो याद रखिए डिसकैलकुलिया रिलेटेड टू कैलकुलेशन, डिसग्राफिया जो राइटिंग रिलेटेड है, डिसलेक्सिया जो कि रीडिंग रिलेटेड है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका डिसनोमिया। डिसनोमिया क्या है, वर्ड फाइंडिंग प्रॉब्लम, कि आपसे कह दिया जाए कि इसमें से लिखिए, बताइए रिलेटेड कहाँ लिखा, तो आप पता ही नहीं पाएंगे, तो ये डिसनोमिया है। नेक्स्ट इज़ योर ADHD, ADHD क्या होता है, तो ADHD भी एक इम्पॉर्टेंट आपका लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो पहला जो इसका है यही अटेंशन, ऐसे बच्चों में क्या होता है कि अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब ऐसे बच्चे एक जगह पे ध्यान केंद्रित बहुत समय तक नहीं कर पाते हैं। क्लियर, क्लास में वो अच्छे से बैठ नहीं सकते, एक सीट पे वो बैठ नहीं सकते, कारण इसके वही सारे हैं, हेरिडिटी या फिर बर्थ के बाद जो है कभी कुछ ऐसा एक्सीडेंट का होना, या प्रॉब्लम्स जब प्रेग्नेंट थी मम्मी तो प्रेगनेंसी के दौरान या बर्थ के दौरान जो है बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम का हो जाना। अब इसको हम पहचान कैसे सकते हैं, तो हमेशा समझिए कि जब आप आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इतने बड़े हम विद्वान नहीं हैं कि किसी को देख कर बता देंगे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, उसके लिए हमको कुछ टूल्स कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो हम डॉक्टर तो है नहीं कि हम सीज़र और ये सारी चीज़ें लेंगे, तो हमारे पास टूल क्या है, अब याद करिए गिफ्टेड में आपने कौन कौन से टूल का इस्तेमाल किया था। तो पहला तो ऑब्जर्व भी करेंगे अगर ऐसे बच्चों को आप, तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इंटरव्यू के थ्रू, अचीवमेंट के थ्रू, एनेक्डॉट के थ्रू, ठीक, लैंग्वेज टेस्ट के थ्रू, बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप जो है इसको बता करके समझ सकते हैं कि बच्चा जो है कैसा है। अब आते हैं स्लो लर्नर के ऊपर। स्लो लर्नर क्या होते हैं, कि जो आपके धीमे बालक होते हैं, ठीक, जो धीमी गति से सीखते हैं, आर दोज हु फेल इन स्कूल बिकॉज ऑफ देयर लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। ऐसे बच्चे जो स्कूल में बार बार फेल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। इनकी IQ 55 टू 60 से लेकर के 85 टू 90 तक होती है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि एवरेज बच्चे की IQ 90 होती है, ठीक है, 90 से 110 के बीच में। तो इनका IQ बहुत ही कम होता है, इसी कारण से ये क्या होते हैं कि स्लो लर्नर्स होते हैं। इनके लिए भाई हमें टीचिंग का अलग मेथड्स करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और इनको जो है इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत है। अगर इनको सुधारना है तो आपको इनके ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है आपका फिज़िकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो कि क्या है, शारीरिक तौर पे कुछ ना कुछ उनके अंदर जो है डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, ठीक, ऐसे बच्चे डीफ हो सकते हैं, लेम हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं, डम्प हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम फिज़िकली हैंडीकैप चिल्ड्रन कहते हैं। अब ये देखिए बहुत ही ध्यान से और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको भी ध्यान से करिए कि फिज़िकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं, जो PHC है, ये PHC में कितने प्रकार के हैं। तो पहला विजुअली हैंडीकैप, जो देख नहीं सकते, तो याद रखिए कि देख नहीं सकते तो ब्रेली सिस्टम का यूज़ होगा, स्पीच
जो बोल नहीं सकते इनके लिए हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग का प्रावधान करेंगे, उनको कुछ सिखाएंगे ताकि वो अपने लाइफ को एग्जिस्ट कर सकें। क्रिपल्ड ऐसे बच्चे जो कि चलने में असमर्थ होते हैं, इनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल की व्यवस्था करेंगे, लिमिटेड करिकुलम रखेंगे और ऑडियो विजुअल एड्स इनको देंगे, क्योंकि जब वो चल फिरने में असमर्थ हैं तो रेसिडेंशियल स्कूल में रहेंगे तो वहाँ उनको पढ़ाना आसान होगा। और एक हियरिंग हैंडीकैप जो कि सुन नहीं सकता, तो विजुअली हैंडीकैप में याद रखिएगा कि जो बच्चा देख नहीं सकता आप उसको ब्रेली के थ्रू पढ़ाइए, ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम मत लीजिए और रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर उनको रखिए। क्लियर? तो ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें आती हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसको समझिए। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आप इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप देखकर पता कर सकते हैं। अब आते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन MRC पर। कौन होते हैं मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन MRC कौन होते हैं? तो याद रखिए कि WHO के अकॉर्डिंग इनकम्प्लीट और इनसफिशियंट डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कैपेसिटीज़, ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल कैपेसिटीज़ क्या है प्रॉपर नहीं हुई है, इनसफिशियंट है, इनकम्प्लीट है, वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इनका IQ 50-70 होता है। कभी कभी तो ये मेंटली रिटार्डेड के टाइप्स में अभी हम देखेंगे कि ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। इन लोगों का जो इमोशंस होता है ना वो स्टेबल नहीं कर पाते हैं, कहाँ पे इनको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, हंसनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब देखिए इसके टाइप्स में आपको दिखेगा कि टाइप्स में एक एड्यूकेबल, ट्रेनेबल और टोटली डिपेंडेंट MRC होता है। एड्यूकेबल मतलब वो जिनको कि हम पढ़ा लिखा करके सही कर सकते हैं, दूसरे ट्रेनेबल जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग के थ्रू वो लोग कर सकते हैं, और दूसरा टोटली डिपेंडेंट। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दीजिए फिर भी वो जो है उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता है। इसके कारण जैसे कि मैंने आपको बताया वही कारण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल दो फैक्टर्स। अब आते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट दैट मीन्स ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, तो हियरिंग लॉस अबव 90 डेसिमल को हम डीफनेस के अंदर काउंट करते हैं। कब हम बहरे हैं या कोई व्यक्ति जो है वो सुन नहीं सकता, कि जब वो 90 डेसिमल, ठीक, हियरिंग लॉस अबव 90 डेसिमल के ऊपर का साउंड वो जो है नहीं सुन सकता, नीचे का तो वैसे भी नहीं सुन पाएगा, मतलब आप 90 डेसिमल साउंड भी प्रोड्यूस करें तब भी उसको जो है सुनाई नहीं दे रहा, ये डिफनेस होता है। इसका कारण भी वही हेरिडिटी है, मैटर्नल रूबेला मेनिंगिटिस, इसके साथ ही नॉइज पल्यूशन है। एजुकेशन में हम इनके लिए एम्पलीफिकेशन सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल चला हुआ है आपका कि हियरिंग है बच्चा तो उसको जो है इंटेंसिटी के माध्यम से हम समझाते हैं, बताते हैं। कैप्शन फिल्म्स एंड वीडियोज, जब उनको वीडियोज़ को दिखा रहे हैं वो सुन नहीं सकता, देख तो सकता है, तो वहाँ पर हम उसको कैप्शन में सारी चीज़ों को लिख लिख कर दिखाएं, साइन लैंग्वेज का यूज़ करके हम बच्चे को जो है सिखा सकते हैं। इसके साथ ही अब आते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिसेस पर। देखिए जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है ना, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है कि व्हाट आर द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। ये एजुकेशनल प्रैक्टिसेस किसके लिए है? डिसेबल्ड बच्चों के लिए। याद रखिएगा पेपर में इससे आता है, तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले तो आप बताएंगे कि टीचिंग प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वो प्लानिंग आप कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इस टीचिंग प्लानिंग के आप तीन जो है पोर्शंस दिखाएंगे, पहला है टीचिंग मेथड, दूसरा क्लासरूम मैनेजमेंट और तीसरा स्ट्रक्चरिंग लेसन। समझ आया? पहला काम आप क्या करेंगे, टीचिंग का प्लानिंग करेंगे, उसमें भी टीचिंग मेथड्स, दूसरा क्लासरूम मैनेजमेंट और तीसरा स्ट्रक्चरिंग लेसन। टीचिंग मेथड में देखिए आप कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में आपसे क्वेश्चन से कुछ और पूछा होगा, ये लास्ट का टेल वाला क्वेश्चन है, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम आपको 4-5 पेजेस लॉन्ग आंसर लिखना होता है, तो इसके लिए आप एक पेज लास्ट का बचा करके रख सकते हैं, और कंक्लूजन भी इसके बाद आपको लिखना है। तो कंटेंट मैं आपको इतना इनफ दे रही हूँ कि आप इसके बाद आपको बिल्कुल भी कंटेंट के लिए नहीं सोचना है, और आपको किसी भी चीज़ में बिल्कुल अगर कहीं भी है कि वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। क्लियर? टीचिंग मेथड में देखिए अल्टरनेट टीचिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, स्टेशन टीचिंग, इंटरएक्टिव टीचिंग एंड पैरेलल टीचिंग, इस तरह के मेथड्स का यूज़ हम कर सकते हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें कि जो क्लासरूम के रूल्स हैं भाई उनको अच्छे से लिख दें, उनको ऑडियो फॉर्म में भी करा दें, ताकि जो बच्चे देख नहीं सकते वो सुन लें, जो सुन रहे हैं वो देख लें, सुन नहीं सकते वो देख लें, ठीक। इसके साथ ही सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें प्रॉपर। इसके साथ ही विजुअली मॉनिटर करें बच्चों को, सभी बच्चों को हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं CCTV कैमरा लगा करके कि सभी बच्चे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डेली स्केड्यूल आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराने वाली हैं उसको पहले ही आप क्या कर दीजिए,
बता दीजिए। इसके साथ ही एक स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम की व्यवस्था करिए कि बच्चों को किस प्रकार से बैठाना है, रोटेशन, अगर कोई बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा तो उसको आप आगे सिटिंग अरेंजमेंट करवा दीजिए इस प्रकार से। और स्ट्रक्चरिंग लेसन्स जो आपको पढ़ाना है, किस किस क्रम में पढ़ाना है, उसको पहले अच्छे से जो है कर लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चरिंग लेसन्स वाला है, इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, जो हमने बात की ना ग्रुपिंग की, वो आप कराएंगे कि बच्चों को, ऐसा नहीं कि सेम एबिलिटी वाले बच्चों को एक साथ रख दें, ऐसा नहीं करना, ठीक। प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट, टीच द स्ट्रैटेजी विथ कॉन्टेंट मटेरियल, उनको जो है कंटेंट मटेरियल के साथ साथ पढ़ाइए। इसके साथ ही इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में करिए आई डू, मतलब कि सबसे पहले क्या है कि टीचर करेगा, जो टीचर मॉडल होगा, फिर वी डू, फिर ग्रुप में उसको प्रैक्टिस करवाइए, फिर यू डू, फिर इंडिविजुअली प्रैक्टिस कराइए। जैसे आपने कोई एक्टिविटी सिखाई तो पहले आपने बच्चे को दिखा दिया कि देखिए ये इस प्रोसीजर से होता है, फिर आप उनको ग्रुपिंग में सिखाइए कि अब इस ग्रुप के बच्चे आप लोग ये वाला करिए, आप लोग ये वाला करिए। जब बच्चे ग्रुपिंग में कर ले, फिर अब आप उसमें से इंडिविजुअल को खड़ा करिए। ये तरीका होता है लेसन्स को करने का कि आपने क्वेश्चन पूछा, चलिए ग्रुपिंग में पहले उसको कर लेंगे क्वेश्चन पूछा, फिर किसी एक इंडिविजुअल को स्टैंड करके पूछा। क्लियर। अब इसके बाद प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ क्या क्या हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए, तो असेसमेंट सर्विस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको PSDMS कहते हैं, होम बेस्ड एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री प्रोग्राम, ठीक। पॉलिसीज़ जो आपका मेन जिससे आता है, तो ये अभी आप आगे पढ़ेंगे भी, कोठारी कमीशन है आपका NPE और 1968 वाला और 1986 वाला, इसके अलावा उसका जो रिवाइज्ड वाला है 1992 का, और PIED 1997, ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको आप कंक्लूजन के तौर पर बता करके आंसर को अपने बता सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है आपका यूनिट टू का पूरा के पूरा पार्ट ए और पार्ट बी जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डोमेन्स को देखा, ठीक, सोशल इकोनॉमिक और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एबिलिटी और डिसेबिलिटी डोमेन, तो ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका पार्ट थ्री, जिसमें हम यूनिट थ्री का पार्ट ए और पार्ट बी को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।